अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बनाएंगे चिकन ड्राई रोस्ट। बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है, होपफुली आपको पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को हमें मैरिनेट करना है, तो उसके लिए नमक डालेंगे, हल्दी डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो ये 2 बड़े चम्मच हैं लहसुन अदरक, और आधा नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो विनेगर भी डाला जा सकता है। उसके बाद अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, हर एक पीस को कोट कर लेंगे इन मसालों से, और मैरिनेशन के लिए रखेंगे एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले लेंगे, जो इस तरह से हैं: ज़ीरा, काले मिर्च, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है, लौंग, दालचीनी और ये सूखी लाल मिर्च, ये तेज़ मिर्ची है। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी होममेड है, जो कि पहले से ही हल्का सा ड्राई रोस्ट करके मैं उसे पीस कर रखती हूँ। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो धनिया भी लीजिएगा साथ में। उसके बाद आप देखिए मसाले हल्का सा रोस्ट हो चुके हैं, इसको पीस कर साइड में रखेंगे। कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, 1/4 कप ऑयल लिया है और मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। ऑथेंटिक रेसिपीज़ मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा बेहतर लगती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, और चिकन को हमें हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। तो चिकन को भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीस कर रखा था, साथ ही धनिया डाल देंगे और यह है कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए डाला है मैंने, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे इन मसालों को 1 मिनट के लिए। और अब हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तो पानी थोड़ा सा ही डालेंगे हम, 4-5 चम्मच के करीब, और उसके बाद इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट के बाद जब हम चिकन को चेक करेंगे तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और अब हमें इसे हाई फ्लेम पर भून लेना है, जो इसका मॉइस्चर है ना उसको ड्राई कर लेंगे, और इसे थोड़ा सा और भून लेंगे हम। चिकन इतना ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। तो है ना काफ़ी ईजी रेसिपी और बहुत डिलीशियस है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।